नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। दोस्तों, 1931 में रिलीज हुई फिल्म आलम आरा के बाद बोलती फिल्मों का दौर आया तो कई नए कलाकारों को हिंदी सिनेमा से जुड़ने का मौका मिला। इन नए कलाकारों में से एक थी इंदू रानी। असली नाम तो इनका इशरत जहां था, लेकिन मुस्लिम परिवार की इशरत जब फिल्मों में आई तो पिता ने इन्हें हिंदू नाम दिया। ठीक उसी तरह जैसे यूसुफ बने दिलीप कुमार और महजबीन बानो बनी मीना कुमारी। पहले तो पिता इंदू रानी को फिल्मों में भेजने के खिलाफ थे, लेकिन किस लालच के कारण बचपन में खुद पिता ने ही इन्हें फिल्मों में भेज दिया। आखिर क्यों और कैसे पिता ने ही बनाया अपनी बेटियों को हथियार, कैसे मीना कुमारी और गोविंदा के पिता अरुण आहूजा के लिए बन गई भगवान का अवतार, किस सदमे ने इतनी बड़ी और महान अदाकारा इंदू रानी को कर दिया बर्बाद, कैसे पिता के साथ साथ कई लोगों ने उठाया इनका गलत फायदा, कैसे इंदू रानी 1940 में भारत की सबसे कम उम्र में घर खरीदने वाली लड़की थी, कैसे नाबालिग उम्र की शादी से इनकी जिंदगी हो गई बर्बाद, जानेंगे एक अधूरी प्यार, शादी और सदमे के साथ साथ और भी बहुत कुछ। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। इशरत जहां इमामुद्दीन उर्फ इंदू रानी का जन्म 22 जून 1922 को दिल्ली के एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। यह 7 भाई बहनों में तीसरी थी। इंदू रानी की मां मुनव्वर जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की पहली फीमेल स्टूडेंट थी। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद मुनव्वर शाही घराने की डॉक्टर बनी। इंदू रानी के पिता शेख इमामुद्दीन के पास 17 तांगे थे, जिनका इस्तेमाल वो मिशन गर्ल्स उर्दू स्कूल की फीमेल स्टूडेंट्स को स्कूल छोड़ने के लिए किया करते थे। ऐसे ही इशरत और उनकी बहनों को भी पढ़ने में मदद मिली। एक्ट्रेस सायरा बानो की मां नसीम बानो भी उसी स्कूल की स्टूडेंट थी। इंदू रानी की बड़ी बहन रोशन बचपन से ही बेहद बागी तेवर की थी। एक दिन उन्होंने अपनी कुछ तस्वीरें सरस्वती सिनेटोन फिल्म स्टूडियो में भेज दी। रोशन की तस्वीरें बेहद खूबसूरत थी तो उन्हें कुछ ही समय में 300 रुपये प्रति महीने की तनख्वाह पर स्टूडियो से ऑफर मिल गया। जैसे ही इस बात की खबर पिता इमामुद्दीन को लगी तो उन्होंने पिटाई कर दी। पिता रूढ़िवादी सोच के थे, जो घर के लड़कियों को फिल्मों में भेजने के सख्त खिलाफ थे। कुछ समय बाद इंदू रानी के पिता को जुए की लत लग गई। सारी कमाई खत्म होने लगी और परिवार गरीब हो गया। गरीबी में रूढ़िवादी पिता ने भी अपने विचार बदल लिए। कमाई की लालच में वो खुद इंदू रानी और उनकी बड़ी बहन रोशन को अपने साथ पुणे ले आए, जहाँ कई फिल्में बन रही थी। उस समय 12 साल की इंदू रानी 8वीं क्लास में थी। 1931 में पहली बोलती फिल्म आलम आरा रिलीज हुई थी। बोलती फिल्मों का दौर आया तो सभी फिल्म मेकर ऐसे नए लड़कों और लड़कियों की तलाश में थे जो सुंदर दिखने के साथ साथ हिंदी और उर्दू बोलने में माहिर हो। पुणे आते ही इंदू रानी और रोशन को दादा साहेब फाल्के के फिल्म स्टूडियो सरस्वती सिनेटोन में काम मिल गया। पिता ने दोनों बेटियों को फिल्मों में तो लगा दिया था, लेकिन मुस्लिम समुदाय को इस बात से आपत्ति थी। लोगों के तानों से बचने के लिए पिता ने दोनों बेटियों के नाम बदल दिए। इशरत का नाम इंदू रानी रखा और रोशन का सरोजिनी। इनके अलावा भी उस जमाने में ज्यादातर आर्टिस्ट हिंदू नाम रखकर ही फिल्मों में आए थे, जैसे यूसुफ खान दिलीप कुमार बने और महजबी बानो मीना कुमारी। सरस्वती सिनेटोन में इंदू रानी और सरोजनी को 300 रुपये महीने तनख्वाह पर काम मिला था। जैसे ही काम मिला तो पिता ने दोनों बेटियों की तनख्वाह एडवांस में ली और दोनों को पुणे में उनकी नानी के घर छोड़कर खुद दिल्ली लौट गए। इंदू रानी को पहली फिल्म सावित्री मिली थी, जिसमें उन्हें एक साइड रोल दिया गया था। यह फिल्म फ्लॉप हो गई और दादा साहेब फाल्के को बड़ा नुकसान हुआ। इस नुकसान से उबरने के लिए उन्हें स्टूडियो बेचना पड़ा। सरस्वती सिनेटोन बंद होने से दोनों बहनों पर मुसीबत आ गई। न काम था, न कमाई का कोई दूसरा जरिया। साथ काम करते हुए दोनों की मराठी एक्टर वसंतराव पहलवान से अच्छी पहचान हो गई, जिनकी मदद से दोनों ने बॉम्बे आने का फैसला किया। वसंतराव की मदद से दोनों ने दादर की हिंदू कॉलोनी में एक किराए का कमरा ले लिया। कुछ पहचान वालों की मदद से इंदू रानी को दरियानी प्रोडक्शन की 1936 की फिल्म फिदाए वतन मिली।
आगे उन्हें 1936 की प्रतिमा, 1937 की बुलडॉग, 1937 की ही इंसाफ जैसी कई और फिल्में मिली। फिल्मों में लगातार काम करते हुए इंदुरानी एक नामी एक्ट्रेस बन गई। पूरी इंडस्ट्री में इंदुरानी और सरोजनी की चर्चा होने लगी। दोनों काम के अलावा कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी। ऐसे में प्रोड्यूसर्स ही उन्हें साइन करने घर आया करते थे। सबसे पहले वी शांताराम ने इंदुरानी को अपने प्रोडक्शन में 300 रुपए प्रति महीना की नौकरी ऑफर की। इंदुरानी को ऑफर तो पसंद था, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि वो तभी काम करेंगी जब उनकी बहन सरोजनी और उनके दोस्त वसंतराव पहलवान को भी काम मिलेगा। सरोजनी के लिए तो वी शांताराम मान गए, लेकिन उस समय वसंतराव के लिए कोई काम नहीं निकल सका। ऐसे में इंदुरानी भी ये ऑफर ठुकरा दिया। एक दिन सौरभ मोदी ने दोनों बहनों को अपने स्टूडियो मिनर्वा मूवी टोन बुलाया और 450 रुपये प्रति महीना का नौकरी ऑफर की। स्टूडियो में इंदुरानी की नज़र अपने जमाने की सबसे बोल्ड एक्ट्रेस लीला चिटनिस पर पड़ी, जो सिगरेट पीती थी। उन्हें देखकर इंदुरानी ऐसी इंप्रेस हुई कि खुद भी उनकी नकल करते हुए सिगरेट पीने लगी। सौरभ मोदी इंदुरानी को अपनी बहन मानते थे। उन्होंने कहा, सिगरेट पीना तुम पर नहीं जचता। यह सुनते ही इंदुरानी ने सिगरेट पीना छोड़ दिया। इंदुरानी काम को लेकर ऐसी जुनूनी थी कि एक दिन में डबल शिफ्ट में काम कर पैसे जमा किया करती थी। लगातार काम करते हुए इंदुरानी ने इतने पैसे जुटा लिए कि उन्होंने महज 18 साल की उम्र में मुंबई के सांता क्रूज में अपना आलिशान बंगला खरीद लिया। उस जमाने में द टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने फ्रंट पेज पर यह स्टोरी छापी थी कि इंदुरानी 18 साल की उम्र में मुंबई में घर खरीदने वाली पहली एक्ट्रेस है। उनका घर उस जमाने के फेमस आर्किटेक्ट नूरानी ने डिजाइन किया था। फिल्म इंसाफ और प्रतिमा में काम करते हुए इंदुरानी को अपने को स्टार प्रेम अदीप से प्यार हो गया। प्रेम अदीप एक कश्मीरी पंडित थे और इंदुरानी एक मुस्लिम। कुछ समय साथ रहने के बाद इंदुरानी जान चुकी थी कि प्रेम कभी शादी के लिए अपने परिवार के खिलाफ खड़े होने का साहस नहीं जुटा सकेंगे। यह जानते ही इंदुरानी ने अपना रिश्ता खत्म कर लिया। मोहन पिक्चर के रमणीक लाल ने दोनों बहनों को 500 रुपये प्रति महीने का ऑफर दिया। ये रकम मिनर्वा मूवी टोन से मिलने वाली रकम से काफी ज्यादा थी, साथ ही 500 रुपये 30 के दशक में काफी ज्यादा थे। दोनों बहनों ने यह ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इससे उनके मिनर्वा मूवी टोन के साथ काम करने के दरवाजे भी बंद हो गए। उस जमाने में मिनर्वा मूवी टोन स्टूडियो काफी पॉपुलर था, लेकिन एक बार स्टूडियो छोड़कर जाने वाले को दोबारा उनकी फिल्मों में जगह नहीं मिलती थी। दोनों ही बहनें इंडस्ट्री में नई थी और उन्हें सलाह देने वाला भी कोई नहीं था। 1939 में महज 17 साल की उम्र में इंदुरानी ने मोहन पिक्चर के मालिक रमणीक लाल शाह से सीक्रेट शादी कर ली। शादी के बाद जब इंदुरानी 1942 में पहली बार मां बनने वाली थी, तो जन्म से पहले ही बच्चे की मौत हो गई। इस सदमे से इंदुरानी डिप्रेशन में चली गई। इंदुरानी की हालत इतनी खराब थी कि उनके पति रमणीक लाल ने उन्हें हालत सुधरने तक फिल्मों से दूर रखा, लेकिन इसका असर ऐसा हुआ कि इंदुरानी को फिल्में मिलना बंद हो गई। इंदुरानी और उनके पति रमणीक लाल लोगों की बढ़ चढ़कर मदद करते थे। जब मीना कुमारी बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म इंडस्ट्री में आई, तब उनके घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। जब मीना कुमारी के पिता ने इंदुरानी और उनके पति से मदद मांगी, तो उन्होंने बिना सोच विचार किए उन्हें 5,000 रुपये दे दिए। कुछ सालों बाद जब मीना कुमारी स्टार बनी, तो उन्होंने ये रकम चुकानी चाही, लेकिन दोनों ने वापस लेने से इनकार कर दिया। यही कारण था कि मीना कुमारी इनका बेहद सम्मान करती थी। सिंगर निर्मला देवी, जो कि गोविंदा की माँ थी, और इंदुरानी अच्छी दोस्त हुआ करती थी। जब इंदुरानी को पता चला कि निर्मला के पति अरुण अहोजा यानी गोविंदा के पिता के फिल्मों में लगाए गए पैसे डूब गए हैं, तो इंदुरानी ने ही 2 महीनों तक पूरे परिवार का खर्च उठाया था। अरुण अहोजा ने कर्जे से निकलने के लिए अपना जुहू स्थित बंगला बेच दिया और विरार में एक छोटे से घर में आकर बस गए। बंगला बेचने से जो पैसा जमा हुए, उससे अरुण ने इंदुरानी का कर्ज उतारा था। 40 के दशक के पॉपुलर डायरेक्टर, एक्टर और प्रोड्यूसर नज़ीर एक दिन अपनी लग्जरी रोल्स रॉयस से इंदुरानी से मिलने उनके घर पहुंचे।
नजीर के साथ उनकी पत्नी और उस जमाने की नामी एक्ट्रेस स्वर्णलता भी पहुंची थी। बातों ही बातों में दोनों ने इंदुरानी से एक बड़ी रकम मांगी और वादा किया कि जल्द ही लौटा देंगे। इंदु ने उन पर विश्वास किया और तुरंत रकम दे दी, लेकिन कुछ समय बाद ही दोनों बिना पैसा लौटाए पाकिस्तान भाग गए। शादी के बाद 1943 तक इंदुरानी को फिल्में मिलनी लगभग बंद हो गई। जो चंद फिल्में उन्होंने पहले की थी बस वही साल दर साल रिलीज हो रही थी। एक बच्चे की मौत के बाद इंदुरानी के 5 बच्चे हुए। इंदुरानी पढ़ाई लिखाई की अहमियत जानती थी, यही कारण था कि उन्होंने अपने सभी बच्चों को मुंबई के मिशनरी स्कूल और सेक्रेड बॉयज जैसे नामी स्कूल में पढ़ाया। आगे की पढ़ाई के लिए इंदुरानी ने अपने सभी बच्चों को US भेजा था। जब 1978 में उनके पति रमणीकलाल शाह का निधन हुआ तो वो भी भारत में सब छोड़कर बच्चों के पास रहने US चली गई। जिंदगी के आखिरी 35 साल इंदुरानी ने US में ही गुजारे। इंदुरानी ने अपने पूरे करियर में 21 फिल्मों में काम किया, जिनमें से एक मराठी फिल्म भी शामिल है। 18 फरवरी 2012 को इंदुरानी 90 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गई। उस वक्त वो कैलिफोर्निया में थी, उन्हें वहीं कैलिफोर्निया में ही दफनाया गया। दोस्तों, इस महान अदाकारा की ये कहानी सुनकर वो कहावत याद आती है, नेकी कर और दरिया में डाल। खैर, आज के किस्सों का सफर यहीं तक। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।